हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगस्त के मंथ में इनकी तरफ से कौन से स्मार्टफोन आने वाले हैं। अगर मैं पहले स्मार्टफोन की बात करूँ तो उसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 7। और इसकी रैम स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 6 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज मिल सकती है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.95 इंच की प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल सकती है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको बैक साइड में 48+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा मिल सकता है। अगर सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल सकती है, जो 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और यहाँ पर सुपर 3 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा डेटा G70 का प्रोसेसर आपको यहाँ पर मिल सकता है। और इस लॉन्च डेट बात करूँ तो ये August 12 को लॉन्च होगा। इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 9499 में मिल सकता है। अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो उस स्मार्टफोन का नाम है Note 7 Lite। अगर इस स्मार्टफोन की मैं रैम स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें आपको 4 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो आपको 48+2+2 का ट्रिपल रियर कैमरा आपको बैक साइड में मिल सकता है। अगर मैं इस स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है। अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट में आपको 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल सकती है। अब तो इस स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग होने वाली है अभी तक बताया नहीं गया है। अगर मैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको मीडियाटेक का P22 का प्रोसेसर मिल सकता है। इस स्मार्टफोन की मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 7499 में आपको मिल सकता है। अगर इस स्मार्टफोन की मैं लॉन्च डेट की बात करूँ तो ये August 12 को लॉन्च सकता है। अगर मैं अगले स्मार्टफोन की बात करूँ तो उस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स नोट 6। अगर इस स्मार्टफोन की मैं रैम स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज मिल सकती है। और ये आपको यहाँ पर 6.01 इंच की FHD प्लस AMOLED स्क्रीन के साथ आपको डिस्प्ले मिल सकती है। और यहाँ पर सेल्फी कैमरा की बात करता है बस 16+8+2 का ट्रिपल रियर कैमरा आपको बैक साइड में मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर सेल्फी कैमरा की बात करता है आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी की बात करता है आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पर प्रोसेसर की बात करूँ तो आपको मीडियाटेक का Helio P35 का प्रोसेसर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।